हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल जोन ब्लॉग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं अगेन आप सबके लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर के आई हूँ जो कि दलिया से बनने वाली है। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमें दलिया की ज़रूरत होगी। तो ये देखिए, मैंने नॉर्मल दलिया ले ली है जो मार्केट में मिलती है, और ये मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। और अब मैं इसमें देसी घी ऐड करूँगी 2 से 2.5 चम्मच के करीब, और फिर उसमें दलिया डाल करके अच्छे से भूंज लूँगी। हमें बहुत ज़्यादा दलिया भूंजना नहीं है कि एकदम भूंज करके जला देना हो, ब्लैक कर देना हो, नहीं ऐसा नहीं करना है। नॉर्मल हमें इसे भूंजना है मीडियम फ्लेम पर। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखिएगा, ना हाई रखिएगा ना लो, मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए अच्छे से हमें भूंज लेना है। तो फ्रेंड्स, जब तक इधर हमारी दलिया भूंज रही तब तक हम दूसरे साइड एक कढ़ाई में जो है पानी रख देते हैं पकने के लिए। कढ़ाई थोड़ी बड़ी लीजिएगा पानी पकाने के लिए। तो देखिए, मैंने दूसरे साइड कढ़ाई रख दी है पानी जो है पकने के लिए, और इधर हमारी दलिया भी भूंज रही है जब तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दलिया भूंज करके तैयार हो गई है। हमें इतना ही इसे भूंजना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं भूंजना, नहीं तो दलिया जल जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने पानी रखा था गर्म होने के लिए वो अच्छे से गर्म हो गया है, और अब मैं इसमें भुंजी हुई दलिया को ऐड कर दूंगी और ढक के रख दूंगी कम से कम 10 मिनट के लिए पकने के लिए। और पानी गर्म रहे तभी आप इसमें दलिया ऐड कीजिएगा, ठंडे पानी में दलिया मत ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से गर्म पानी में दलिया ऐड कर दिया है, और अब मैं इससे ढक करके रख दूँगी 10 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए। और आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें इलायची वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो मैंने देखिए इसमें थोड़ी सी इलायची कूट करके डाल दी है। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, आपके टेस्ट के ऊपर है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहे जो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इसे ढक के रख देंगे पकने के लिए। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि दलिया हो गई है या नहीं। तो ये देखिए, दलिया मेरी जो है अच्छे से पक गई है, और इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे। और चलाने के बाद इसमें फिर से हमें घी ऐड करना है। ये बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, फिर से वही 2-2.5 चम्मच के करीब ही हमें इसमें घी ऐड करेंगे, और फिर से अच्छे से भूंज लेंगे घी डाल करके। इसमें कलर के लिए हम थोड़ा सा जो है खाने वाला रंग ऐड कर देंगे, जिससे कि इसका कलर चेंज हो जाए और देखने में ये अच्छा लगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा खाने वाला कलर ऐड कर दिया है, और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। हम इसमें फिर से 2 से 2.5 चम्मच के करीब घी ऐड करेंगे, और फिर उसे अच्छे से भूंज लेंगे। और जब घी अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसमें, तब हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा या फिर आप केसर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें अब हम चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी ऐड करने के लिए हम उसी कटोरी का यूज़ करेंगे जिस कटोरी से हमने दलिया ली थी, उसी कटोरी से हमें इसमें 1.5 कटोरी के करीब चीनी ऐड करना है, और फिर इसे मेल्ट होने देना है इसमें, क्योंकि जब चीनी मेल्ट होगी तो अभी इसमें पानी छोड़ेगा। तो इसलिए अभी हमको इसको चलाते हुए पकाना है चीनी को, और मेल्ट होने देना है। उसके बाद फिर हम इसे लड्डू का शेप दे करके तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इसे हलवे की तरह खाना चाहते हैं तो ये हलवे के लिए एकदम तैयार है, मगर अगर आप इसे लड्डू का शेप देना चाहते हैं तो इसे थोड़ा सा और पकाना होगा, क्योंकि अभी गीला है ये। जब इसे और सुखाना होगा तभी लड्डू बन पाएगा। तो इसलिए हमें इसे थोड़ा सा और सुखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसे लड्डू के शेप में बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये तैयार है बिल्कुल लड्डू बनने के लिए। अब हम इसे जो है गैस बंद कर देंगे और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए जो है ये अच्छे से ठंडा हो गया है, अब मैं इसे लड्डू के शेप में बना दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरे हेल्दी दलिया के लड्डू बन करके तैयार हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो इसे अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।